2014 में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने कर्म का आधार बनाया। ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया है। बापू के आदर्शों को आत्मसात कर मोदी जी हर वर्ग के सशक्तिकरण और समावेशी विकास के विजन के साथ भारत को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में दृढ़ता से अग्रसर हैं। मोदी सरकार में बेघरों को पक्के मकान, भूखे को भोजन, हर घर में शुद्ध पेयजल और स्वच्छ भारत के तहत शौचालय निर्माण। मोदी सरकार ने करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन दिए। साथ ही किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करके देश को नई दिशा और ताकत दी। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते थे। हमने आज उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत जैसी योजना, इन सब से उनके इस मंत्र को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। बापू ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को देश की रीढ़ माना था और मोदी सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम उसी सोच को साकार कर रहा है। इस पहल ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने और भारतीय उद्योगों को नई ताकत देने का संकल्प लिया है। बापू के सपनों का भारत जो भेदभाव से मुक्त सद्भाव युक्त होगा, बापू के सपनों का भारत जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आदर्श पर चलेगा। बापू के आदर्श ग्राम के सपने को भी मोदी सरकार में नया जीवन मिला है। 2014 से 2024 के बीच 19,094 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में घोषित किया गया है, जो ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण में एक ऐतिहासिक कदम है। खादी, जो बापू के दिल के करीब थी, आज फिर से जन जन में लोकप्रिय हो रही है। 2013-14 में खादी और ग्रामीण उद्योगों की बिक्री 31,154.2 करोड़ थी, जो मोदी जी के नेतृत्व में 2023-24 तक 5 गुना बढ़कर 1,55,673.12 करोड़ हो गई है। इसने बुनकर परिवारों को एक नई आशा और आत्मविश्वास दिया है। बापू की वंचितों के लिए सेवा की भावना को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। बापू के सपनों को साकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये सरकार बापू के आदर्शों को आधुनिक भारत में पुनर्जीवित कर रही है और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ रही है।